एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। गाइस फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रंट ब्रेड हेयर स्टाइल, जो कि आप देख सकते हैं काफी ज्यादा सुंदर लगता है। गाइस आप एक किसी भी ड्रेस के साथ मैच कर सकते हैं। अगर आप जीन्स टॉप पे क्रिएट करना चाहते हैं तो उस पर भी काफी ज्यादा सुंदर हो लगता है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जीन्स टॉप पे ही क्रिएट करी है। बहुत ही स्टाइलिश लगता है। आप चाहे तो इस हेयर स्टाइल को लहंगा के साथ, अनारकली ड्रेस के साथ या फिर किस साड़ी वगैरह सारे पे बहुत ही अच्छे तरीके से सुंदर लगता है। आप चाहे अगर लहंगा पे इसे हेयर स्टाइल को कैरी करना चाहते हैं गाइज, तो इसमें थोड़ी सी छोटी छोटी मोती वाला फ्लावर्स के क्लिप आते हैं, तो उसको भी आप टक कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा लुक देता है। सो यहाँ पे देख सकते हैं इसको बनाना काफी ज्यादा सिंपल है। आपको देखने से लग रहा हो कैसा बनेगा कैसे बनेगा। सो गाइज मैं भी बहुत सारे वीडियोज देखी हूँ, वीडियोज देखे हैं और फिर जूम करके पिक देखी हूँ कि कैसे बनता है, तो मैं इस हेयर स्टाइल को बनाई हूँ। और इस हेयर स्टाइल को बनाने के लिए मैंने कई बार बनाई हूँ गाइस, 2-3 दिन के अंदर मैंने 6 से 7 बार हेयर स्टाइल बनाई, तब जाके फाइनल टच में मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सो गाइस मैं बताऊंगी कि इस हेयर स्टाइल को कैसे बनाना है। सो यहाँ पे देख सकते हैं बाल, मैं मेरा ऑलरेडी पहले से रबर बैंड लगा हुआ था, मैं पहले बाल को सुलझा लूंगी कॉम्ब की हेल्प से। तो आपको क्या करना है इस हेयर स्टाइल के लिए, पहले आपको बाल को सुलझा लेना है ताकि कोई भी बाल है वो फंसे नहीं उस टाइम में। और यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी क्लिप्स के, जो पतले वाली क्लिप्स होती हैं नॉर्मल वाली, वो लेना है, इसलिए कि आपको बाद में टक करना होगा, तो इसलिए आप लेकर के ही बैठिए। यहाँ पे मैं बाल को सुलझा ले रही हूँ अच्छे तरीके से। और आपको क्या करना है, आगे के जो बाल होते हैं ना, आगे के जहाँ से भी आप बनाना चाहते हैं, लाइक और आपको नीचे से लेना बनाना था तो और आप लेते नीचे से बाल लेते, लेकिन मेरे को यहाँ से बनाना है बाल, क्योंकि मेरे को लगा कि नहीं इस तरफ का बाल है वो छोड़ देती हूँ, इस तरफ के बाल जो है वो सिंपल तरीके से मैं टक करूंगी, तो यहाँ का मैं बाल इस तरीके से ले ली हूँ आगे से। आपको जहाँ तक के बाल को लेना है आप ले सकते हैं। देन आपको सारे बाल जो हैं, ये पीछे वाले बाल आपको पीछे में क्लच लगा लेना है या फिर रबर बैंड लगा लेना है, ताकि जब भी आप ब्रेड को बना रहे हो तो आपको परेशानी नहीं हो, आपके जो पीछे वाले बाल हैं वो बार बार आए नहीं, मतलब उलझे नहीं, तो इसलिए आपको यहाँ पे मैं लगा ले रही हूँ रबर बैंड। कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं रबर बैंड को लगा ली हूँ। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब भी आप इस चोटी को बना रहे हैं तो आपको पीछे का बाल लेना है, पीछे का बाल लेना है और उसमें आपको मतलब दो भाग करना है, कुछ इस तरीके से आपको दो भाग करना है। एंड आगे के बाल को पीछे ले जाना है और पीछे के बाल को आगे ले जाना है। जो मेन दिक्कत होगी आपको यहीं पे होगी, तो इसको अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए। देन उसके बाद गाइस जो नॉर्मल चोटी होती है ना, ठीक उसी तरीके से आपको बनाते रहना है और उसके बाद नीचे तक ले जाना है यूं करके।
यहाँ पे मेरा फ्रंट ब्रेड बन चुका है, आप देख सकते हैं इस तरीके से, और कितना ज्यादा सुंदर ब्यूटीफुल लग रहा है आगे से। आपको क्या करना है यहाँ पे, अब जरूरत पड़ेगी क्लिप का, और आपको नीचे के बाल है वो खुले ना, इसलिए आपको यहाँ पे क्लिप को टक कर लेना है कुछ इस तरीके से। देख सकते हैं दोनों तरफ से मैंने दो क्लिप को लगाई है, ताकि जो हमारा बाल है वो मतलब फैल के खुले ना चोटी। तो आपको दोनों तरफ से इस तरीके से कर देना है। देन उसके बाद गाइज, आप चाहे तो आप चोटी के साथ ही इसे पीछे टक कर सकते हो, या फिर हेयर को आप खोल सकते हैं। सो मैं यहाँ पे बाल को खोल दी हूँ, और क्या करूंगी कि मैं जो साइड वाला है, राइट साइड के जो बाल हैं, उसको मैं आगे से लूंगी, जितना मैं ली हूँ इस तरफ से उतना ही लूंगी। देन उसके बाद गाइज मैं सिंपल सा उसे कर्व करूंगी। तो यहाँ पे मैं इस साइड का भी बाल को उतना ही ली हूँ जितना मैं उस तरफ से ली थी। और आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से इसे सुलझा लेना है कॉम्ब की हेल्प से। सुलझाने के बाद आपको पीछे लेना है राउंड राउंड कर करके, क्योंकि ये साइड से भी देखने से सुंदर लगेगा, और क्योंकि दोनों तरफ एक ही टाइप के चोटी लगेगा गाइस, तो वो थोड़ा सा कुछ हैवी हो जाएंगे देखने से। तो इसलिए मैं इधर में नॉर्मल कुछ इस तरीके का करी हूँ। आप चाहे तो दोनों तरफ भी चोटी बना सकते हैं। सो अगर जीन्स पे कर रहे हैं गाइस या लहंगे पे, तो इस टाइप का ही ज्यादा सुंदर लगता है। सो आपको यहाँ पे क्लिप की जरूरत पड़ेगी, और पीछे आपको नॉर्मल सा टक कर लेना है। देन उसके बाद आपको एक और क्लिप की जरूरत पड़ेगी, तो आपको इस तरीके से करना है। फिर आपको इस तरफ का बाल को लेकर के उसी के साथ में टक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा सुंदर लगने लगा मेरा, साइड से भी लुक काफी ज्यादा सुंदर लगता है, फ्रंट से भी काफी ज्यादा सुंदर लगता है। आपको यहाँ पे पीछे से क्लिप लगा लेना है, और उसके बाद गाइज मैं थोड़ी सी मेरा हेयर स्टाइल के साथ ही ये इयररिंग इस टॉप पे मुझे लगा कि सुंदर लगेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे अच्छा लुक के लिए मैं यहाँ पे एक ये वाला इयररिंग पहन ली हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है ये हेयर स्टाइल पे ये इयररिंग, और ये ड्रेस पे ये हेयर स्टाइल बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगा गाइज। आप लोग को कैसा लगा, या फिर कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं गाइज, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आप लोग के साथ, और एक नए एपिसोड के साथ मिलूंगी, नए वीडियो के साथ मिलूंगी। फ्रेंड अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर ब्यूटी हेयर स्टाइल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो रहेंगे। थैंक यू।